प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग दो में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता के रचयिता है हालावाद के प्रवर्तक स्वच्छंदतावादी कवि हरिवंश राय बच्चन जी। यह कविता हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है। इस कविता में यह बताया गया है जो राही है, जो मनुष्य है, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलता रहता है। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करता है। दूसरे पद में कवि ने चिड़िया का बड़ा ही सुंदर रूपक बांधा है। चिड़िया उड़ान भरती है, अपने बच्चों की जब उसको याद आती है तो वह उसके लिए व्याकुल हो जाती है। यह व्याकुलता चिड़िया की ममता और उसके वात्सल्य को दर्शाती है। अंतिम पद में कवि ने अपनी खुद की बात कही है। कवि कहता है कि मैं क्यों व्याकुल हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में कोई ऐसा है ही नहीं, मेरे घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। आइए हम कविता देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पथ का अर्थ है रास्ता, राह। यहाँ पर पंथी का अर्थ है राही। हो जाए न पथ में रात कहीं। कवि कहता है कि जो राही है अपने मंजिल की ओर निरंतर अग्रसर है, वह अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहता है, वह जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो रहा है। जब सूर्यास्त होने को है तो उसको यह आशंका है, उसको यह डर लगा रहता है कि कहीं जल्दी रात न हो जाए, इसलिए वह अपने कदमों को अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए जल्दी जल्दी बढ़ाता है। उसको यह आशंका है कि कहीं सूर्यास्त न हो जाए, जब उसको यह लगता है कि दिन जल्दी ढल रहा है तो वह अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए निरंतर गतिशील हो जाता है। इस पद्यांश में यदि हम शिल्प सौंदर्य की बात करें तो इसमें प्रसाद गुण है, शांत रस है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है, भाषा सहसल प्रभाव में है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, वर्णात्मक शैली है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। आइए अब हम अगला पद देखते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय बच्चन ने दूसरे पद में चिड़िया के माध्यम से एक बड़ा ही सुंदर रूपक बांधा है। अक्सर हम आकाश में देखते हैं सुबह और सायंकाल पक्षियों के उड़ती हुई। जब सुबह पक्षी अपने भोजन की तलाश में जाते हैं, सायंकाल को वो अपने घोंसलों में लौट आते हैं। चिड़िया भी सुबह भोजन की तलाश में निकलती है, सायंकाल को जब वह अपने घोंसलों की ओर आती है, वह अपने बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध करती है, वह सारा दिन अपने भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ उड़ती रहती है। जब सायंकाल होता है तो उसको यह याद आती है कि उसके बच्चे उसकी प्रत्याशा में होंगे, अर्थात उसके बच्चे भोजन की आश में बैठे होंगे और वो नीड़ों से झांक रहे होंगे, घोंसलों से झांक रहे होंगे। जब यह बात कविता के ध्यान में आती है, जब वह इस बात पर विचार करती है तो वह जल्दी जल्दी अपने घोंसले की ओर उड़ पड़ती है। तो इस पद्यांश में ममता को दर्शाया गया है और जो चिड़िया है उसके अंदर मनुष्य जैसे भाव आते हैं। तो अब हम इसके शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं। इस पद्यांश में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता में
जल्दी जल्दी में अनुप्रास अलंकार है, और ध्यान परों में चिड़िया, यहां पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब बात आती है ममता की, जहां पर ममत्व बात आ जाता है, ममत्व की बात आती है, तो वहां पर माधुर्य गुण होता है और वात्सल्य रस होता है। भाषा बड़ी ही सहज सरल और प्रभावमय है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। वर्णात्मक शैली है, यह एक गीती काव्य है, इसको हम गा सकते हैं। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। आइए अगला पद देखते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके ही चंचल, यह प्रश्न स्थिर करता पद को, भरता मन में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर मुझसे मिलने को कौन विकल, कवि अपने आप प्रश्न कर रहा है, मैं हूं किसके ही चंचल, यहाँ कवि प्रश्न कर रहा है। जहां पर प्रश्न किया जाता है वहां पर प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। यह जो पद है आत्मपरक शैली में लिखा गया है। भाषा बड़ी सहज सरल प्रभावमय है, जल्दी जल्दी ढलता है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अभिधा शब्द शक्ति है। प्रसाद गुण है, शांत रस है। कवि इस पद में अपनी मनोदशा का वर्णन करता है। कवि की जीवन संगनी नहीं रही, वह अब सोचता है कि वह किस बात के लिए व्याकुल। वह अपने घर की ओर जब जाता है तो उसके कदम स्थिर हो जाते हैं, उसके कदम धीमे पड़ जाते हैं, उसके मन के अंदर घर जाने की कोई भी बेचैनी नहीं है। तो इस प्रकार से हमने तीन पद पढ़े। पहले पद में पंथी की बात आई, राही की बात आई, दूसरे पद में चिड़िया का सुंदर रूपक बांधा, और तीसरे पद में कवि अपनी खुद की बात करता है, अपनी मनोदशा का चित्रण करता है। कवि निराश है, वह विरह की वेदना में झुलस रहा है। इस पद्यांश में विरह वेदना का सुंदर चित्रण किया है। आइए अब हम आगे देखते हैं। पहले पद में बताया गया है समय गतिशील है, यह किसी के लिए नहीं रुकता, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर चलते रहना चाहिए। दूसरे पद में चिड़िया के माध्यम से कवि ने बताया है कि प्रेम व ममता को ही प्रत्येक प्राणी के जीवन में गतिशीलता का प्रमुख आधार माना है। और तीसरे पद में कवि अपनी विरह वेदना व हृदय में उत्पन्न जो निराशा है उसका चित्रण करता है। एक बार इसके शिल्प सौंदर्य को एक बार फिर देख लेते हैं। प्रश्न अलंकार की बात करें तो प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। दिन जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है। मुझसे मिलने को कौन, इन दोनों में अनुप्रास अलंकार है। यदि हम रस की बात करें तो श्रृंगार व शांत रस है। जब पंथी की बात आती है और जब चिड़िया के प्रश्न की बात आती है और जब कवि अपनी बात करता है तो उनमें अलग अलग रस हमें दिखाई देता है। पहले पद में जब पंथी की बात आती है वहाँ पर शांत रस है। जब चिड़िया की बात आती है तो वहाँ श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, और जब कवि अपनी बात कहता है वहाँ भी वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। यदि हम गुण की बात करें, जब पंथी की बात आती है वहाँ पर शांत रस, चिड़िया का वात्सल्य प्रेम जब उभरता है वहाँ पर माधुर्य गुण, और जब कवि अपनी विरह वेदना को प्रकट करता है वहाँ भी माधुर्य गुण। शब्द शक्ति की बात करें, अभिधा शब्द शक्ति का बड़े ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। यदि हम शैली की बात करें तो इसमें वर्णात्मक शैली और मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जब कवि अपनी बात करता है तो वहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक शैली है। जब कवि पंथी का वर्णन करता है, चिड़िया का वर्णन करता है, तो वहाँ पर वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा बड़ी सहज सरल और प्रभावमय है। यह एक गीती काव्य है, इसको गाया जा सकता है। यह कविता छंदमुक्त कविता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।